नाउ नेक्स्ट डिजीज कंडीशन इज द मीजल्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं, रूबेला, रूबियोला. ओके, सो मीजल्स क्या है, जिसको हम रूबेला भी बोलते हैं, ये मेनली चिल्ड्रन में इफेक्ट करता है 3 to 5 years ऑफ एज. एज ग्रुप क्या रहती है इसमें, 3 to 5 years. एंड इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है, दैट इज द 8 to 15 days. नेक्स्ट थिंग आती है, व्हाट इज द कॉजिटिव एजेंट, एजेंट ऑफ द मीजल्स. सो कॉजिटिव एजेंट रहता है इसका रूबेला वायरस, रूबेला वायरस. नाउ कम्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट मीन्स जो रूबेला है, मीजल्स है, वो किस जरिए फैल सकता है. सो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट के थ्रू, एंड सेकेंड थिंग इज द डायरेक्ट, लाइक डायरेक्ट टचिंग से भी ये हो सकता है. सो ये थी नॉर्मल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द मीजल या फिर रूबेला. नाउ नेक्स्ट कम्स ऑन द साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द मीजल्स. नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम. सो साइन एंड सिम्टम में इसकी रहती हैं दो स्टेजेस. स्टेज वन, जिसको हम कैटारल स्टेज भी बोलते हैं. स्टेज वन को हम और क्या बोलते हैं, कैटारल स्टेज. एंड सेकेंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ इरप्शन. स्टेज टू, जिसको हम और क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ इरप्शन. सो अब हम बात करते हैं स्टेज वन में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम वहां पे देखने को मिलेंगे. सो सबसे पहले वहां पे देखने को मिलेगा फीवर, क्योंकि क्या है, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, सो उसमें हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जब वर्क करती है, सो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं फीवर. सेकेंड थिंग इज द रनी नोज. रनी नोज, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं राइनोरिया. नेक्स्ट थिंग इज द कफिंग. बहुत ज्यादा उसको क्या रहेगा, कफ रहेगा. एंड जो रैशेज होंगे वो मेनली देखने को मिलेंगे फेस के ऊपर या माउथ के ऊपर. अपीयरेंस ऑफ रैशेज ओवर माउथ. एंड लास्ट में इसमें देखने को मिल सकता है वाटरिंग आइज, वाटरिंग आइज. सो ये सारे साइन एंड सिम्टम किस में देखने को मिले, कैटारल स्टेज में. इट मींस अभी जो मीजल का जो वायरस है वो अभी एंटर हुआ है, जिसमें फीवर, रनी नोज, कफ, अपीयरेंस ऑफ रैशेज ओवर द माउथ एंड वाटरी आइज देखने को मिलेंगे. सेकेंड थिंग इज द स्टेज ऑफ इरप्शन. सो स्टेज ऑफ इरप्शन में क्या रहेगा, जो रैशेज हैं वो ओवरऑल द बॉडी स्प्रेड हो जाएंगे. स्प्रेडिंग ऑफ रैशेज ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में क्या होगा, जो रेड स्पॉट हुए हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे. सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द मीजल्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सो नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन. सो प्रिवेंशन में हम मेनली यूज करते हैं इम्यूनाइजेशन. फर्स्ट आती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, लाइव एटीन्यूटेड मीजल वायरस की वैक्सीन को, जो कि हम 1 year ऑफ एज ग्रुप में देते हैं. लाइव एटीन्यूटेड मीजल वैक्सीन ओवर 1 year ऑफ एज. सो ये क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन. नेक्स्ट आती है पैसिव इम्यूनाइजेशन. पैसिव इम्यूनाइजेशन जो कि हम बाद में यूज करते हैं, और इस चीज के लिए हम यूज में लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स. क्या यूज में लेते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स. सो ये है मेन प्रिवेंशन फॉर द
मीजल्स. नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल. सो कंट्रोल में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पेशेंट को आइसोलेट. आइसोलेट कब करेंगे? आइसोलेशन आफ्टर 7 days. जब से उसके रैशेस देखना स्टार्ट हुए उस टाइम पे हम पेशेंट को क्या कर देंगे? आइसोलेट कर देंगे. इम्यूनाइजेशन मस्ट है. इम्यूनाइजेशन हम उसकी करेंगे. इम्यूनाइजेशन मस्ट. एंड लास्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, जो उसके आर्टिकल्स हैं जो वो यूज करता है उनको अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है. आर्टिकल शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड. Properly disinfected. It means disinfected का मतलब होता है कि जो infection उसमें फैल गया है उसको हम disinfect करेंगे, मतलब उसको अच्छे से clean करेंगे. So guys ये सारे थे respiratory communicable disease जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी. Tuberculosis पढ़ा, chicken pox पढ़ा, then हमने measles पढ़ा, influenza पढ़ा. ये सारी किस्में आती हैं respiratory सिस्टम में. नाउ जंप टू द नेक्स्ट कॉम्युनिकेबल डिजीज, दैट इज द आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज.